तो वहीं हमीरपुर में 5 साल की नेपाली मूल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 47 साल के आरोपी दुकानदार के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया जाएगा। आपको यहां बता दें कि हमीरपुर में नेपाली बच्ची और उसका परिवार किराए के मकान के कमरे में रहते हैं और मजदूरी करते हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और जिसके बाद ही ये पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। हमीरपुर में मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म का ये वाक्या सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप यहां के एक दुकानदार पर लगा है। हालांकि पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है और पॉस्को एक्ट के खिलाफ उस पर मामला दर्ज किया गया है। अभी मुझे समथिंग 2:30 बजे तक मुझे फ़ोन किया कि बोला कि भाई बच्ची को ऐसे ऐसे हुआ है, तू आ जा इधर भाई, पुलिस थाने में भाई को दर्ज करवाना है। तो इसलिए मैं भी ये सोच रहा हूँ कि भाई छोटी सी बच्चे का मामला है भाई, इसलिए कि पुलिस थाने में जल्दी दर्ज किया और इस अपराधी को जल्दी पकड़ा जाए। बच्ची का मेडिकल कराया गया, उसकी स्टेटमेंट लिखी गई, FIR दर्ज की गई। 376 IPC और 4 POPSO एक्ट में जो है सदर पर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई।